अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका बड़ी, आपका टीचर हमजा मसूद। आज हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक नंबर 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इसको ज़रा हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या है। इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, अभी फिजिक्स क्या, आज पता लगे अभी फिजिक्स क्या है। हमारे इर्द गिर्द ये जो सारी कुदरत है, ये जो सारा माहौल है, इसके अंदर जो फिनोमिनाज एक कुदरती पैटर्न के मुताबिक चल रहे हैं, जैसे कि हवाओं का चलना, रेनबो का बनना, बारिश का आना, आपका जाना, दिल धड़काना, हमें मैंने आपको पढ़ाना, ये सारा कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्डर के मुताबिक चलता है। इसके पीछे कुछ साइंस है, इसमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स कह लो आप, रूल्स कह लो, वो सारा कुछ इंक्लूड है। अब अगर हम बात करें कि फिजिक्स क्या, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हल्का सा टच लिया था फिजिक्स के साथ, वो क्या था, द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉस। इसको मैं हम शॉर्ट टर्म में कह लेते हैं कि दिस इज कॉल्ड फिजिक्स, कि भाई कुदरत की स्टडी और उसके अंदर के जो कानून है। इस वक्त हमारी कुदरत तीन हिस्सों में बंटवारा कर चुकी है, यानी कि मैं कह लूं कि हमारी कुदरत के तीन पार्टीशंस हो चुकी हैं। एक पार्टीशन क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटीज बॉडीज थिंग्स मैनी मोर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और इनको बुक हमारी कहती है फ्रंटायर्स। फ्रंटायर्स की मैं इधर अदर नेम लिखता हूं पार्टीशंस, ठीक है जी। एक तो ये है हमारे पास, दूसरी जो है हमारे पास वो है एक्सट्रीमली स्मॉल वन, यानी कि स्मॉल क्वांटिटीज थिंग्स नेचर बॉडीज फलां फलां, और थर्ड है जी मिडल साइज थिंग्स ऑब्जेक्ट्स थिंग्स, जो भी आपका दिल करता है। अच्छा जी, अब ये जो एक्सट्रीमली लार्ज क्वांटिटीज है, इसकी जो बात कर रहा है ये बंदा, इसके अंदर क्या आ सकता है, माउंटेन्स? नहीं भाई, माउंटेन्स नहीं आएंगे इसके अंदर, वो चीज़ें आएंगी जो एक्सट्रीमली लार्ज है, मतलब कि जो आपकी लार्ज सोच से भी ऊपर की हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारी गैलेक्सीज आ सकती हैं, हमारी एज अ होल यूनिवर्स आ सकती है, हमारे जैसे हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है ये आ सकता है। अब इसके अंदर थोड़ी सी, इसके पीछे के बैकग्राउंड की थोड़ी सी थ्योरी है, थ्योरी मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिफिकली प्रूव्ड ना हो बाय एक्सपेरिमेंट, इसकी थ्योरी के मुताबिक आपने एक थ्योरी बड़ी फेमस सुनी होगी, बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग क्या था कि भाई बहुत अरसा पहले क्या हुआ कि हमारा ये जो यूनिवर्स है, ये सोलर सिस्टम है, इसके अंदर 20 बिलियन ईयर्स अगो इसके अंदर एक ब्लास्ट हुआ, जिस ब्लास्ट के नतीजे में कुछ टुकड़े बने जो कि दूसरे टुकड़ों के इर्द गिर्द चक्कर काटना शुरू कर देते हैं। मैं आपको ब्रीफ सेंस में समझा रहा हूँ कि हमारा सूरज है एक टुकड़ा, उस छोटे टुकड़े जो उसके गिर्द चक्कर काट रहे हैं वो हमारी अर्थ और अदर प्लैनेट्स हैं हमारे, अगर सोलर सिस्टम की बात करें, और उसके जो उससे भी छोटे टुकड़े थे वो उन प्लैनेट्स के गिर्द चक्कर काट रहे हैं, जैसे कि हमारा मून जिसे हम सैटेलाइट बोलते हैं। वो एक्सट्रीमली स्मॉल में क्या आएगा, ग्रेन ऑफ सैंड? नहीं, इससे भी छोटी चीज। इससे छोटी चीज क्या होती है, एटम। एटम से छोटी चीज क्या होती है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से छोटी चीज क्या होती है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे भाई एक ही इस फ्रंटायर का हिस्सा है, ठीक है। इसके अंदर फिर मेसोन्स और काफी चीजें आती हैं, वो बड़ी डिटेल में हमने आगे पढ़ना है। मिडल साइज में क्या आता है, मिडल साइज में सर जी मिडल साइज, मिडल तबके के लोग, मिडल तबके के लोग हम लोग हैं। इसकी कम से कम मिनिमम वैल्यू स्टार्ट होती है हमारे पास मॉलिक्यूल से, और मैक्सिमम वैल्यू हम क्या सकते हैं भाई, माउंटेन्स। माउंटेन्स तक, मॉलिक्यूल से लेकर माउंटेन तक की जो लिमिट है उसमें सारी कौन सी क्वांटिटीज आ जाती हैं, मिडल साइज क्वांटिटीज बॉडीज या थिंग्स आ जाती हैं, ठीक है जी। अब भाई मैं फिजिक्स की एक प्रॉपर डिफाइन करता हूं, जो कि हमारी बुक एक पैराग्राफ में डिफाइन करती है, डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, या आप इसे ये कह लो साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, कि साइंटिफिकली बुक जो है वो फिजिक्स को किस अल्फाज में बयान करना पसंद करती है। बुक कहती है द स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी, द स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी हम आगे पढ़ेंगे,
एनर्जी की स्टडी या इनका आपस में इंटर रिलेशन, वो क्या कहलाता है? फिजिक्स। आइंस्टाइन की एक बड़ी फेमस इक्वेशन है E=mc². ये इक्वेशन भाई हमारी प्रॉपर फिजिक्स के मुताबिक है कि भाई एनर्जी मैटर और दिस इज स्पीड ऑफ लाइट के, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। और अगर मैं अपनी टर्म में फिजिक्स या फिजिक्स को डिफाइन करूँ एक इक्वेशन के सेंस में, केमिकल इक्वेशन के सेंस में, तो मैं कहूँगा भाई मैटर, इधर लिखूंगा भाई एनर्जी, और ये इनका इंटर रिलेशन कि भाई द स्टडी ऑफ मैटर, द स्टडी ऑफ एनर्जी और देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। ये तीनों चीज़ें फिजिक्स में आ जाएंगी। आप मैटर को डिस्कस कर लो, फिजिक्स। आप एनर्जी को डिस्कस कर लो, फिजिक्स। आप इनके आपस में इंटरचेंजिंग रिलेशन को डिस्कस कर लो, ये भी फिजिक्स के जुमरे में ही आता है, फिजिक्स ही इसे डील करेगी। अब अगर हम चैप्टर्स की सेंस में देखें कि फिजिक्स किस चीज़ में आती है, फिजिक्स क्या आती है? अभी मैं तो इधर मोशन को भी डिस्कस कर लूँगी, थर्मोडायनेमिक्स को भी डिस्कस कर लूंगी, स्पेस को भी डिस्कस कर लूंगी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को भी डिस्कस कर लूंगी, और ईटीसी। ईटीसी का मतलब है बहुत ब्रांच है, यानी कि इसमें लाइट आ जाती है, फिर हमारे पास लाइट के इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, सारी चीज़ें फिजिक्स में आ जाती हैं। फिजिक्स में मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं सबको डिस्कस कर लूँगी, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारी फिजिक्स है ना भाई, ये कई जगह पर लिखा हुआ, ये एक एडवेंचर टाइप चीज़ है, जैसे कि एडवेंचर मूवी होती है, ये वैसी है। ये कभी तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगी, कहीं पर तो ये आपको रुला देगी, कहीं जगह पर ये आपको इंजॉय भी करवाएगी, कई जगह पर ऐसे फिनोमिना जाएंगे जो आपको पता नहीं था, लेकिन आपको यार ये तो बड़ा मज़े की चीज़ है, और कई जगह पर ये रिवार्डिंग भी होती है। हुआ यूँ कि फिजिक्स फुल डिफाइन होगी, फिजिक्स पे वर्क शुरू हो गया, साइंटिस्ट ने वर्क किया, और बाय द एंड ऑफ 19th century इन्होंने कहा भाई ये बुक है और ये फिजिक्स की बुक है, और इस बुक में फिजिक्स हमने कर दी एंड, यानी के कहा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया फिजिक्स को। लेकिन बाद में देखा इस बुक के मुताबिक इन्होंने जो चीजें डिस्कस की थी वो चीजें मोस्टली भाई तीसरे फ्रंट टायर से थी, यानी के मिडिल साइज से थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई, साइंस में चीज़ें पता लगी, पता लगा कि भाई इसके अलावा भी दो फ्रंट टायर्स हैं यूनिवर्स के, एक्सट्रीमली लार्ज, एक्सट्रीमली स्मॉल। और जब ये चीज़ें पता लगी तो उनके अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स आए जो ऑब्जेक्ट्स इस फिजिक्स के रूल्स को मानते ही नहीं थे। उन्होंने कहा जो आपकी बुक है इसके रूल्स लॉज फेल हो रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स पे, उन चीज़ों पे। तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कहा कि या तो ये रूल्स रीडिफाइन किए जाएं, थ्योरीज रूल्स, या न्यू रूल्स बनाए जाएं, न्यू लॉज बनाए जाएं। तो फिर एक नई फिजिक्स बनी जिस फिजिक्स के मुताबिक हमने उन चीज़ों को डिस्कस किया जो कि इन मटेरियल से डिफरेंट थी, जिनमें ये वाले रूल्स लागू नहीं होते थे। तो उसके मुताबिक हमारे पास फिजिक्स की एक और बुक बन गई, जिसे हमने कहा भी न्यू फिजिक्स। फिर हमारे पास फिजिक्स की दो मेन ब्रांचेस बन गई, एक का नाम आ गया क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरी का नाम बना जो बाद में बनी नई फिजिक्स 19वीं सदी के एंड के बाद, तो 20वीं सदी में जो चीज आई उसको नाम बना मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर फेमस पर्सनालिटीज आपने सुनी होगी, आइंस्टाइन भाई हैं, प्लैंक्स हैं, और मैनी अदर्स हैं काफ़ी ज़्यादा ईटीसी। और इसके अंदर हमारे पास है जी न्यूटन, गैलीलियो और भी काफ़ी हैं, लैपलास वगैरह ये आ जाते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स, EMT वगैरह आ जाती हैं, और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, और इसके अलावा मॉलिकुलर फिजिक्स, और ये सारा कुछ हमारे पास ये मॉडर्न फिजिक्स के जुमरे में आता है। अब ये काम हो गया, दोनों फिजिक्स डिफाइन हो गई।
अब फिजिक्स के मुताबिक जो फिजिक्स है ना, एक फंडामेंटल साइंस है। हाँ, अक्सर हमारे पास इस फंडामेंटल साइंस से हमारे पास डिफरेंट साइंस की अदर ब्रांचेस भी बन जाती हैं, और इसकी फिजिक्स की डिफरेंट अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ ओवरलैपिंग से नई नई ब्रांचेस बनती हैं। जैसे कि अगर मैं ओवरलैपिंग करवाऊं इधर बायो की और फिजिक्स की, यानी कि बायोलॉजी, तो नई एक ब्रांच बनी जिसका नाम बना बायोफिजिक्स, जैसे कि मेडिकल फिजिक्स इसमें आ जाती है। फिर एक और ओवरलैपिंग करवाते हैं जियोग्राफी की, ये एक साइंस की ब्रांच है, और ये हमारे पास अपनी ब्रांच फिजिक्स। इसकी ओवरलैपिंग से एक नई ब्रांच बनती है जिसे कहते हैं जियोफिजिक्स, और इससे रिलेटेड जैसे एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स की ओवरलैपिंग से एक नई ब्रांच बनती है जिसका नाम है एस्ट्रोफिजिक्स। ये डिफरेंट हमारे पास ब्रांचेज आ जाती हैं जो कि आपस में ओवरलैप करती हैं साइंस की और नई फिजिक्स की, और इंटर कनेक्टेड ब्रांच बना देती हैं फिजिक्स की या साइंस की। हमारे पास ना भाई दो टर्म्स आती हैं, एक टर्म का नाम होता है साइंस और एक टर्म का नाम होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो साइंस है ना, इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना, और टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हमने इस गैदर्ड इंफॉर्मेशन को क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है और इसको एक साइंटिफिक यूज में लाना, ये टेक्नोलॉजी आ जाती है। अब आजकल डिजिटल मीडिया देख रहे हो जो कि आपके पास लिविंग एग्जांपल है। एक ज़माना था कि खतों किताबत से लोग अपना पैगाम दूसरे बंदे तक पहुंचाते थे, कबूतरों वाले तक, कबूतर जा जा जा, वो भी पर्ची शर्ची लपेट के कबूतर के साथ भेज देते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास लेटर सिस्टम शुरू हो गया कि भाई ये लेटर लिखते थे, वो जाता था, फिर जाता था, पता नहीं कब आता था, कब रिसीव होता था, कब जवाब आता था, पता नहीं मिलता भी था नहीं मिलता था। लेकिन आज आप देख रहे हो कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आईटी की दुनिया में हम जी रहे हैं। ये आईटी की दुनिया पॉसिबल है हमारे पास इस साइंस की वजह से। अब इस साइंस के अंदर क्या है, इस साइंस के अंदर हमारे पास आप देख रहे हो व्हाट्सएप, आपने देखी होगी, यूज भी करते होगे व्हाट्सएप। आप मैसेज करो, एक सिंगल टिक आया भाई चला गया, रिसीव नहीं हुआ। डबल टिक आया, चला भी गया रिसीव भी हो गया। ब्लू टिक हो गया, चला भी गया रिसीव भी हो गया, देख भी लिया। वो अलग बात है कि डिफरेंट वेरिएंट्स जो कि ऑफिशियल व्हाट्सएप के नहीं है वो यूज़ करते हैं, वो अलग है, उनका हिसाब अलग होगा उन लोगों का। लेकिन खैर, हम साइंस के अगर इधर बात करें तो ये सब पॉसिबल है साइंस की वजह से। आईटी की दुनिया में इस वक्त दुनिया में कहीं पर भी कोई इवेंट प्लेस होता है, कुछ भी होता है, विद इन नैनो सेकेंड्स आपको उस इवेंट की खबर मिल जाती है, जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ साइंस। अब हमारे पास इस आईटी वर्ल्ड में एक बहुत पावरफुल चीज है जिसको हम कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंसान की सबसे एडवांस्ड जो इजाद, उसमें कंप्यूटर है और उसके अंदर बेसिक है हमारे पास सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप ध्यान दो तो ये सीपीयूज किससे बनते हैं, ये सीपीयूज हमारे पास सिलिकॉन से बनते हैं। और ये सिलिकॉन कहाँ से मिलती भाई, ये सिलिकॉन हमें सैंड से मिलती है, सैंड मीन रेत। लेकिन क्या आप में से कोई बंदा सोच सकता है कि इंसान ने इस सीपीयू से इसको निकाला और इसमें से, सॉरी, सैंड से सिलिकॉन को निकाला और सिलिकॉन से सीपीयू बनाया, क्या ये पॉसिबल है? अगर तो भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप इस सैंड से जस्ट क्या बना सकते हो, सैंड कैसल्स, जिसको साइंटिफिक दुनिया का पता ही नहीं है क्या आता है, और ये मुजस्मे होते हैं जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं। और अगर तो आप पढ़े लिखे हो तो आप इस सैंड से सिलिकॉन और सिलिकॉन से सीपीयू, जिन्हें हम कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग चिप्स, आलू वाली चिप्स नहीं भाई, कंप्यूटर चिप्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स बना सकते हैं, जिससे देन कंप्यूटर और हम इस दुनिया की टेक्नोलॉजी में एक दूसरे के साथ अपना इंट्रैक्शन, अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज का लेक्चर हमारा बच्चों यहाँ पर एंड होता है। इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेशन में बताएं। हम इंशाल्लाह किस दिन कमेंट ये डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखेंगे, उसमें आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर करेंगे, और इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप लोगों के पास है वो भी आप शेयर करें। अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो आगे आपको पता है क्या करना होता है। ओके जी।